हाय दोस्तों, आज हम लौकी का हलवा बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। ये शक्कर ली है हमने 6 चम्मच, ये किसी हुई लौकी 1/2 किलो, थोड़ी सी मिल्क पाउडर 3 चम्मच और थोड़ी सी नारियल ली है किसी हुई, 1 चम्मच घी लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम पर और कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम घी डालेंगे, छोटा चम्मच 2 चम्मच लिया था घी। तो जीरा डालेंगे, और इसको इस तरीके से चला देंगे, जीरा को थोड़ा लाल होने देंगे। जीरा हमारा देखिए लाल हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे लौकी। 1/2 किलो लौकी ली थी, इसको धो करके और छिलकर अच्छे से हमने इसको पीस लिया है। ये देखिए ताजी लौकी है, इसे थोड़ा पानी छोड़ रही है, ताजी लौकी का ही अच्छा लगता है। तो चलाते जाएंगे और गैस की फ्लेम को थोड़ा धीरे कर देंगे और इसको ढक देंगे कुछ मिनटों के लिए, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि इसमें अच्छा बाफ आ जाए। खोल करके देख लेंगे इसको, देखिए ये अधपकी हो गई है। अब हम इसमें अपना दूध डालेंगे, दूध डाल देंगे, 1/2 किलो दूध लिया था हमने ये, और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और इसको चबाते जाएंगे, थोड़ा सा दूध में उबाल आ जाएगा। उबाल आने लगा है, अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल चलाते जाएंगे ताकि हमारा दूध जले नहीं। तेज फ्लेम करेंगे, तेज में ही इसको पकाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक पूरा दूध इसमें वो न हो जाए। ये हमारा पूरा सूख गया था, अब हम इसमें थोड़ा सा शक्कर ऐड कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा और गीला हो गया है, थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। आंच को बिल्कुल मद्दी कर दिए हैं, अब हम इसमें अपना मिल्क पाउडर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बंधे, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। और इस तरीके से चला देंगे इससे, और ऐसे इस तरीके से डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। इसमें नारियल डालेंगे जो पीस करके रखी थी, इसे बराबर से चला देंगे, अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। केक पूरा सूख गया है, अच्छा हलवा बन गया है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे, बादाम डालेंगे थोड़े से काट कर रखे थे, इलायची पाउडर डालेंगे, इसको कूट लिया था बराबर से चला देंगे, किशमिश डालेंगे डालेंगे। ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे उपवास में व्रत में कभी भी बनाकर खा सकते हैं, हम इसमें मावा नहीं डाले हैं। हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, हमने इसमें मावा नहीं डाला है क्योंकि हर समय अपने पास मावा नहीं होता है, आप ना कभी भी मन हुआ बनाने का तो बना करके खा सकते हैं। ये देखिए दूध डालिए और ऐसे बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से।